हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत क्विक और इजी रेसिपी, जो कि आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो और टी टाइम स्नैक की तरह भी खा सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, साथ ही इसमें डालेंगे सेसमी सीड्स, सम ग्रीन चिलीज और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें जाएगा पानी। यहाँ पे मैं 2 कप पानी यूज कर रही हूँ, 1/3 कप सूजी के लिए। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। पानी में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी को हमें धीरे धीरे डालना है ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। इस रेसिपी के लिए हमें बारीक वाली सूजी को यूज़ करना है, मोटी वाली नहीं। लेकिन अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है, मोटी वाली सूजी है, तो आप उसे एक बार मिक्सी में चलाकर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कॉर्न, कुछ टमाटर, कुछ शिमला मिर्च और प्याज। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो जब तक ये कुक हो रहा है, आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर सकते हैं। अब जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हो गया है, आप देख सकते हो ये गाढ़ा हो चुका है और अच्छे से कुक भी हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हमें इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के लिए आप अपने हाथ में थोड़ा सा पानी या ऑयल लगा ले, उसके बाद आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। तो ऐसे करके मैंने सारे बॉल्स को रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्स एंड कॉर्न स्टार्च। इस कॉर्न स्टार्च को बनाने के लिए आपको 1/2 कप पानी में 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर मिलाना है, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो बॉल्स को पहले हम कॉर्न स्टार्च में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। इसी तरह मैंने सारे बॉल्स को ब्रेड क्रम्स में कोट करके रेडी कर लिया है। फाइनली अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करके रखा है, उसमें हम सारे बॉल्स को डाल देंगे और इसे मीडियम हाई हीट पे फ्राई कर लेंगे। और हमेशा की तरह हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो हमारे क्रिस्पी सूजी बॉल्स रेडी है, इसे हम तेल से निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द रेसिपी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो और बनाती रहूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।